अगर आपका सवाल है विच इज द बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, यानी कौन सा शूज सबसे बेस्ट है, शायद इस सवाल का जवाब फाइनली आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये शूज नोवा ब्लास्ट 4 एसिक्स ब्रांड से है और ये एक न्यूट्रल रनिंग शूज है, यानी नॉर्मल आर्क वालों के लिए ये शूज प्रेफरेबल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हर एक शूज में अलग फीचर्स होते हैं आपके पैर के फीट के हिसाब से। न्यूट्रल शूज का मतलब होता है अगर आपके पैर के जो बीच का आर्क है नॉर्मल है, यानी ना ज्यादा बैठा हुआ है ना ज्यादा उठा हुआ है, देन आप कोई भी शूज पहन सकते हैं। बट अगर आपके आर्क फ्लैट है या फिर आपका जो आर्क है वो ज्यादा उठा हुआ है, देन आपको एसटी शूज की जरूरत पड़ती है, यानी स्टेबिलिटी शूज की जरूरत पड़ती है, जिससे आपके जो पैर का वेट है वो प्रॉपरली गिर सके और आपको रनिंग या फिर कोई और एक्टिविटी करते वक्त पैर पे इंफेक्ट या फिर कोई टाइप का पेन ना हो। तो बस इतना याद रखिए जो एसटी शूज है स्टेबिलिटी शूज है वो हाई आर्क और लो आर्क वालों के लिए होते हैं, और जो न्यूट्रल शूज रनिंग होते हैं यानी जो न्यूट्रल शूज होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल आर्क वालों के लिए होते हैं। ये शूज एसिक्स नोवा ब्लास्ट 4 अपने जनरेशन का फोर्थ शूज है, तो बट ऑब्वियस कोई भी जनरेशन का शूज होता है वो इंप्रूवमेंट के साथ ही लॉन्च होता है। ये शूज इसी मंथ दिसंबर 2023 में ही लॉन्च किया गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसको NYC मैराथन को टारगेट करते हुए लॉन्च किया है, यानी न्यूयॉर्क सिटी मैराथन। आपके नॉलेज के लिए बता दूं NYC मैराथन यानी न्यूयॉर्क सिटी मैराथन वर्ल्ड का 5th फेमस मैराथन इवेंट है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शूज नोवा ब्लास्ट 4 इज कि इसमें कोई भी कार्बन प्लेट दिया हुआ नहीं है, मतलब कि ये आप किसी भी डेली एक्टिविटी में पहन सकते हैं इजीली। कार्बन प्लेट के होने से सबसे मेन प्रॉब्लम यह होता है कि कार्बन प्लेट किसी भी रनिंग शूज में प्रोपल्शन के लिए दिया रहता है, यानी एक मेजर एक्टिविटी रनिंग के लिए ही फोकस किया रहता है वो शूज में। अगर आप कोई भी मैराथन शूज लोगे तो उसमें कार्बन प्लेट होना जरूरी है बिकॉज उससे प्रोपल्शन मिलता है, यानी आपका पैर आगे की तरफ गिरता है। बट यही चीज आपको डेली वेयर में आपके जो काफ्स मसल्स होते हैं उसमें इम्पैक्ट देते हैं, एंड वो ज्यादा आपके जो बॉडी होती है उसको आगे की तरफ पुश करता है वो प्लेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज मेंट फॉर पुशिंग यू टूवर्ड्स फॉरवर्ड। सो वो चीज यूज नहीं की जा सकती डेली वेयर में। सो माई पर्सनल ओपिनियन इज नॉट टू यूज द कार्बन प्लेट शूज इन योर डेली लाइफ, जस्ट यूज देम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। सो ये शूज में कार्बन प्लेट ना होने से आप इसको डेली वेयर में यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर कॉलेज एंड एज वेल एज इन योर जिम टाइम। सुपर प्लस कुशनिंग एंड फेबुलस अपर फील मेक्स दिस शूज जस्ट वाव। इतना बढ़िया लगता है ये शूज पैर में डालते ही, इसका फील एंड इसका जो कुशनिंग है बस मत पूछो बात। I really like this shoes and now I'm the fan of this Nova Blast 4 shoes. Looks की बात करें तो it's a subject because किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा दिखता है ये shoes please comment box में लिखिए और अपने opinion बताइए। Nova Blast 3 जो इससे previous model था वो भी look alike इसके जैसा ही दिखता है, बट काफी सारा differentiate है और feel में भी काफी difference दिखता है, जो मैं आपको डिटेलिंग में बताने जा रहा हूँ इस shoes के बारे में। वैसे मैं Nova Blast 2 shoes का भी video बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ये ऊपर शॉर्टकट लिंक ऊपर दे रहा हूँ वीडियो के, आप यहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ। सो ये शूज नोवा ब्लास्ट 4 की डिटेलिंग की बात कर लेते हैं, बट उससे पहले इसके शू बॉक्स में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ये रहा इसका बॉक्स एसिक्स नोवा ब्लास्ट 4 का। अगर बॉक्स के आगे की तरफ अगर देखेंगे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एसिक्स का नाम दिया हुआ है। देन इसके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ मेजर चीज दी हुई नहीं है, सिर्फ लोगो ही दिया हुआ है। एंड इसको घुमा के इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसिक्स एंड साथ में प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि ये साइज क्या है इसका कलर क्या है। ये जो मैं पैर अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके सामने ये है UK 8 यानी US 9। कलर डिटेलिंग के बारे में दिया हुआ है कलर कौन सा है, ये मॉडल का कलर का नाम है इल्यूमिनेट ग्रीन। ये आप गूगल में सर्च मार के ये शूज के पैर को मंगवा सकते हैं या देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। साथ में यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है एंड दैट्स इट। देन इसके बैक साइड में देखेंगे तो वहां पर भी कुछ खास दिया हुआ नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको ब्रांड ओरिजिन का दिया है QR कोड दिया हुआ है प्रोडक्ट कंसाइनमेंट का, एंड साथ में MRP दिया हुआ है। इस शूज का MRP है 13999 यानी 14,000 रुपये। इस MRP में क्या ये शूज वर्थ है, इसके लिए लेट्स रुक जाओ। क्रैक द शूज। एसिक्स नोवा ब्लास्ट 4 शूज का अगर वेट का बात करूं तो इसका वेट 260 ग्राम से है, यानी
9.2 ओंस, जो एक लाइट वेट कैटेगरी में नहीं आता है। बेसिकली लाइट वेट कैटेगरी के जो शूज होते हैं वो 230 ग्राम्स या फिर लेस देन 200 ग्राम्स होने चाहिए। शूज का हील हाइट की अगर बात करें तो 41.5 mm का हील हाइट है एंड 4 फुट का जो हाइट है वो है 31.5 mm। सो ओवरऑल इसका जो हील ड्रॉप है वो है 8 mm का, यानी ये अच्छा खासा बल्कि मिड सोल आपको मिलता है शूज में, जो डेफिनेटली काफी रिस्पॉन्सिव और काफी अच्छा कुशनिंग आपको प्रोवाइड करता है। शूज के अपर की बात करते हैं, शूज के अपर में इंजीनियर वोवन मेश दिया हुआ है, जिसकी खास बात है कि ये ब्रीथेबल एंड साथ में स्ट्रेचेबल भी है, जिससे आपको एयर वेंटिलेशन का एक अच्छा फ्लो मिलने वाला है शूज में। अलोंग विद दैट ये स्ट्रेचेबल है, जिससे आपके पैर के हिसाब से ये अडेप्ट हो सकता है। शूज के अपर वैम्प में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइनी होल्स दिए हुए हैं छोटे छोटे से, बेसिकली इनका काम भी है एयर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, जिससे ये शूज में आपको ज्यादा फील हो एयर और आपका पैर जो है अंदर ड्राई रहे। शूज का टंग जो है वो बेसिकली गसेट टाइप है, यानी गसेट कंस्ट्रक्शन है। गसेट का मतलब होता है कि ये जो टंग होता है वो शूज के अपर के साथ अटैच रहता है, जिससे ये अपर को अलाइन रखता है और आपके शूज को आपके पैर के मूवमेंट के हिसाब से सपोर्ट करता है। टंग का जो मॉड्यूल है वो अच्छा खासा पैडिंग यूज किया गया है एंड इस बार अच्छी चीज ये है टंग में कि ये स्ट्रेचेबल भी बनाया गया है, जिससे ये आपको काफी अच्छा फील देता है, यानी आपके पैर में इजिली ढल जाता है। स्लाइटली मूविंग डाउन टू द टंग, यहाँ पे भी आपको स्लाइटली स्मॉल होल्स दिखते हैं, जो डेफिनेटली एक एयर वेंटिलेशन का काम कर रहे हैं। शूज के बैक साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको एक पुल टैब दिया हुआ है। पुल टैब बेसिकली इजी बनाता है शूज को पहनने के लिए एंड दिस इवन एड्स अ कैजुअल लुक टू योर शूज। पुल टैब के नीचे नोवा ब्लास्ट लिखा हुआ है एंड उसके नीचे आपको एसिक्स का ब्रांडिंग लोगो दिख जाता है। बेसिकली ये टैब आपके लुक के साथ एक रिफ्लेक्टिव एलिमेंट का भी काम कर रहा है, जिसका मतलब है ये रिफ्लेक्ट होता है while you are in low light। Heel part में भी sufficient padding दिया हुआ है और ये आपके heel को अच्छे से lock करता है while you are in action। Coming to the mid part of the shoes, shoes के mid sole की बात करते हैं। Shoes का जो mid sole है वो बना हुआ है FF Blast plus Eco का। Basically ये जो mid sole है ये अपने previous version Nova Blast 3 से, जिसमें FF Blast mid sole दिया था, जो 20% ज़्यादा lightweight है। Brand ने काफी innovative mid sole बनाया है इस बार, not just कि ये 20% lightweight है इसलिए, बट ऑल्सो इसमें 20% लेस बायो बेस कंटेंट यूज करके बनाया गया है ये मिड सोल। एसिक्स नोवा ब्लास्ट 4 का जो मिड सोल डिजाइन है इस बार काफी डिटेलिंग के साथ बनाया गया है कंपेयरिंग टू इट्स प्रीवियस मॉडल एसिक्स नोवा ब्लास्ट 3। नोवा ब्लास्ट 4 में आपको वाइडर 5 mm का 4-foot प्रिंट मिल जाता है, जो आपके हील में और 4-foot में दिया गया है। सो ये चीज जो है ये अपने प्रीवियस यानी इसके प्रीवियस मॉडल नोवा ब्लास्ट 3 से एडवांस है और इसी के कारण आई थिंक इसका वेट में भी थोड़ा इजाफा हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है, जो 0.5 ओंस यानी ना के बराबर है। बट ये चीज जो है ये कैलकुलेशन में यानी मेजरमेंट में मैटर करता है। शूज के मिड सोल में जो डिजाइन दी गई है, जो कट्स दिए गए हैं, अगर आप उसको लॉजिकली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ज्योमेट्रिकल टाइप की जो लाइंस हैं ये इसके हील काउंटर के नीचे जो पार्ट है उसको एक टैपर्ड डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है मर्जिंग टुवर्ड्स द हील काउंटर, और ये आपके एकिलिस बोन को अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है व्हेन यू आर वेयरिंग दिस शूज। द डिफरेंस कैन बी नोटिस्ड जब आप ये शूज को पहनते हैं, देन ये रिएक्शन जो होता है मिड सोल और हील काउंटर के बीच में वो आपको पता चलता है। शूज के लेसिंग पैटर्न की बात करते हैं तो लेसिंग पैटर्न में आपको फ्लैट लेसिंग दिया हुआ है, दैट इज वेरी स्मूथ। Now let's get inside the shoes. Shoes के अंदर insole sock liner की बात करते हैं। इसका sock liner भी normal sock liner जैसा ही है। Nothing new is given. But yes, और brand के sock liner या और shoes के जो sock liner आप देखते हैं वो काफी cushioning वाले होते हैं, गद्दीदार होते हैं यानी spongy होते हैं। But this is very stiff. ये उतना cushioning ना के बराबर है। बट ये अगर शूज आप इनसोल निकाल के भी अगर पहनते हैं देन यू कैन फील द कुशनिंग ऑफ द मिड सोल। वैसे बिना सॉक लाइनर के मुझे नहीं लगता शूज पहनना चाहिए, गलत है, सॉक लाइनर तो होना चाहिए। शूज में एफएफ ब्लास्ट प्लस का मिड सोल ब्रांडिंग देखने को मिलता है आपको 4-foot में बाहर की तरफ। नाउ फाइनली कमिंग टू द आउटसोल ऑफ द शूज, शूज के आउटसोल के पार्ट की बात करते हैं। शूज में लो AHAR दिया हुआ है, यानी लो एसिक्स हाई एब्रेशन रबर दिया हुआ है इस बार, जो नॉर्मल AHAR रबर से ज्यादा ड्यूरेबल है और ज्यादा डेंसिटी वाला है। जो स्टाइल आपको इस आउटसोल में दिया हुआ है कंपेयर किया है ट्रैम्पोलिन के साथ, यानी उछलने वाली चीज।
सो हियर दैट्स ऑल अबाउट दिस शूज। होप आपको ये शूज का रिव्यू काफी पसंद आया होगा। शूज का नाम तो आपको बता ही दिया था मैंने, नोवा ब्लास्ट 4 है, काफी अच्छा शूज है। मेरे एंड से 2023 का ये मेरे ख्याल से सबसे लास्ट वीडियो है मेरा। नेक्स्ट 2024 में और भी बेटर शूज लाऊंगा, बट आई एम हैप्पी कि ये साल के एंड में मैं ऐसा एक अच्छा शूज को अनबॉक्स कर पा रहा हूँ। नेवर जज द शूज विद इट्स डिजाइन और इट्स लुक्स, ऑलमोस्ट पहले पहने और फिर विश्वास करें। ये टैगलाइन मैं हमेशा बोलता हूँ अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स व्यूअर्स को जो मेरे से पर्सनली अटैच हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।